बताऊंगा ये प्लास्टिक का नल कैसे ठीक करेंगे। देखिए पानी तो आ रहा था, लेकिन इसमें आप चेक करेंगे देखिए कितना धीरे पानी आ रहा है, मतलब इस नल में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। और इस प्लास्टिक के नल को ठीक कैसे करना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके घर पे ऐसा प्लास्टिक का कोई नल लगा हुआ है तो आप इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसके अंदर पानी नहीं आता है, पानी की समस्या हो जाती है, पानी नहीं आ रहा होता है या पानी टपक रहा होता है, तो ये दोनों ही समस्या के लिए आप इस प्लास्टिक के नल को कैसे रिपेयर कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको जो जो औजार की जरूरत होगी दोस्तों वो बताता हूँ मैं आपको। आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होने वाली है इसको ओपन करने के लिए। दूसरा, इसके ओपन करने के लिए आपको एक पाइप रिंच की जरूरत होगी। अगर आपके पाइप रिंच नहीं है तो आप प्लायर से भी इस टैप को रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ज़्यादा लेट करते हुए नहीं करता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से आप इस टैप को रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके टैप के जो टॉप मोस्ट ऊपर एरिया जो रहेगा दोस्तों वो इस तरीके का रहता है। यहाँ पे कुछ कई बार ब्रांडिंग रहती है, कई बार ब्रांडिंग नहीं होती, तो कोई कैप जैसा लगा होता है, तो इस कैप को हमको खोलना है प्लायर ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो काफ़ी केयरफुली रहिएगा और इस कैप को आपको निकाल देना है, थोड़ा ध्यान से निकालिएगा आपके हाथ में चोट ना लगे, तो किनारे में ध्यान रखते हुए इसको आपको धीरे से बाहर निकालना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल रहा हूँ। ये क्यों निकालना है दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे ही एक स्क्रू अवेलेबल होता है, उस स्क्रू को हमको खोलना होगा। तो इसके नीचे देखिए स्क्रू लगा हुआ है, कई बार इसमें जंग लग जाती है तो काफ़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, तो उसको भी हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप खोल सकते हैं। अगर इसमें जंग लग गई और नहीं खुल रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में। तो अभी इस स्क्रू को हम खोलेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपको खोल लेना है इसको। थोड़ा जोर लग सकता है, कई बार पानी की वजह से इसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, तो इसको धीरे धीरे आप ओपन करेंगे तो खुल जाएगा ये। तो ये ओपन हो गया है, देखिए ये मैंने ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया देखिए यहाँ से। और इसके बाद अब हमारे पास ये पोर्शन बचा है। अब दिक्कत क्या है, पानी यहाँ से तो जाता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ से बाहर बहुत स्लो आता है या फिर टपकता ही रहता है हमेशा, हम कितना भी टाइट करते हैं फिर भी। तो इसका सोल्यूशन है, अब हमारे लिए हमें इस एरिया को भी ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए ध्यान देना है, ये एरिया चूड़ियों से कसा हुआ है, मतलब थ्रेड्स बने हुए हैं, तो इसको हमें खोलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो हमें इस्तेमाल करना होगा किसी प्लायर का, या अगर प्लायर नहीं है तो हम पाइप रिंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप रिंच। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ये जो पार्ट इसके ऊपर कसा हुआ दोस्तों, ये उल्टा कसा हुआ है, मतलब अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये और कसता जाएगा। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, कसने की कोशिश करनी है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है इसको। तो ये ओपन हो जाएगा, देखिए इस तरीके से आसानी से ये ओपन हो गया, मैंने इसको ओपन कर दिया। इसके अंदर देखिए ये दो पोर्शन में लगा रहता है, ये एक अलग पोर्शन है, कई बार ये रबर भी कट जाती है तो हमें ये रबर चेंज करनी पड़ सकती है। अगर पानी ऊपर आने लगता है तो बाहर निकलता है ऊपर की तरफ से, अगर ये ओके है तो यहाँ पर नीचे देखिए रबर लगी होती है एक, ये रबर आप इसके अंदर देख सकते हैं, रबर लगी हुई है, लेकिन ये किसी कारण से क्या हुआ कट गई है और इसके अंदर फंस के ही रह गई है। तो हमारा जब पानी नीचे से आता है तो इस होल में से होता हुआ पीछे से आगे नहीं जा पा रहा, पानी जब यहाँ से एंटर करता है नीचे से ऊपर आता है और फिर नीचे जो सामने होल है उससे बाहर निकलता है, तो लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो अंदर रबर लगी हुई है, इस रबर को हमें स्क्रू किसी ड्राइवर की मदद से निकालेंगे हम इसको। तो दोस्तों ये रबर मैंने इसकी बाहर निकाल दिए, देखिए इस तरीके से ये रबर दोस्तों बाहर आ गई है। ये रबर कट गई थी, नॉर्मली ये रबर इसके अंदर फंसी रहती है इस तरीके से, और ये इसके अंदर फंसी ही रहनी चाहिए, अगर नहीं फंसी रहेगी तो ये उसके अंदर रह जाएगी और पानी को फ्लो होने से रोकेगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस रबर को रिप्लेस करना है। तो आप मार्केट से इस तरीके की कोई रबर आपको मिलती है मार्केट में तो आप ला सकते हैं और इसको इसके अंदर प्रेस करके बैठा दीजिए। ये रबर मैं मार्केट से लाया था जो इसके अंदर प्रॉपरली बैठ जाएगी तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम एक बार लगा के देखते हैं प्रॉपरली इसके अंदर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो हाँ दोस्तों ये काम करेगी, तो इस तरीके से इसको हम इसके अंदर लगा देंगे तो ये इस एरिया को ब्लॉक कर दिया करेगी जब भी हम टाइट करेंगे और लीकेज की प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ये रबर बदल दिए, इस तरीके की रबर आप मार्केट से ला सकते हैं, आपके हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगी, अगर इस तरीके की मिलती है तो सबसे बेहतर है, ये तो इसी के लिए बिल्कुल डिजाइंड है, लेकिन ये किसी कारण से जब पुरानी हो जाती है तो डैमेज हो गई है और ये सही काम नहीं कर रही है। तो अब हमने इसको वापस से इसके अंदर असेंबल कर देना है प्रॉपरली, इसके अंदर घुमा के आप बैठाइए, इसके बाद इसको भी कसना है। लेकिन जैसे मैंने बताया इस बार अब ये जैसे खुलता था उस तरीके से इसके अंदर टाइट हो गए, क्योंकि इसकी जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में बनी हुई हैं, तो इसको हम प्रॉपरली टाइट करेंगे, नहीं तो यहाँ से पानी लीकेज की समस्या हो सकती है। तो इसको मैं
घुमाकर अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो मैंने इसको टाइट कर दिया दोस्तों प्रॉपरली। अब उसके ऊपर से दोबारा से हम ये वाला इसको प्रॉपर घुमा के एक बार चेक करेंगे कि प्रॉपर टाइट का और ओपनिंग का काम इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाँ जी दोस्तों अभी काम कर रहा है। तो इस तरीके से बैठा दिया हमने इसको और वापस से हम इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो ये स्क्रू हमने वापस से टाइट कर दिया है और इसकी जो कैप थी दोस्तों वापस से कैप हम लगा देंगे यहीं पर ही अपने एरिया पर। तो ये हमारी टैप रिपेयर हो गई है। अब हम इसको लगाएंगे और देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो इस नल को हमने प्रॉपरली तरीके से एक बार दोबारा से कस दिया है और अब हम देखते हैं ये इसमें से लीकेज की जो समस्या थी वो ठीक हुई कि नहीं। और इसके अंदर एक बार पानी भी नहीं आ रहा था, वो भी समस्या थी। अब हमने देखिए इसको प्रॉपर टाइट करा हुआ है तो पानी नहीं टपक रहा है, मतलब ठीक हो चुका है ये। अब हमको देखना है कि ये खोलने पर प्रेशर इसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों तो ये खोलने पर भी पूरा प्रेशर आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने नल को ठीक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर से कोई भी पानी की टपकने की समस्या है तो वो भी आपकी पानी टपकने की समस्या भी यहाँ से ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने नल को रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।